पिछले कुछ सालों में इंडिया ने कृषि उद्योग के क्षेत्र में बहुत प्रगति की है, फिर भी हमारे देश की कृषि उत्पादकता चाइना और ब्राजील जैसे देशों के मुकाबले काफी कम है। हमारे देश की प्रति एकड़ उपज बहुत कम है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इंडिया की मिट्टी में पोषक तत्वों की बहुत कमी है, जैसे जिंक, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन इत्यादि। पेश है सल्फर मिल्स का टेक्नो जेड, जो हमारे देश की मिट्टी की इस गंभीर समस्या का एक मुंह तोड़ जवाब है। इन्हीं पोषक तत्वों की कमी से होने वाली कम उपज के नुकसान से हमारे देश के किसानों को उनकी मेहनत का सही मुआवजा नहीं मिल पाता। इसके अलावा देश में बढ़ती बीमारियों का प्रकोप और लगभग 3% शिशु मृत्यु दर यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी एक गंभीर समस्या है। इन्हीं से टक्कर लेने सल्फर मिल्स का रीप लाया है एक आधुनिक, असरदार और किफायती इलाज। ऐसा इलाज जो मिट्टी के आवश्यक पोषक तत्वों की कमी को दूर कर हमारी मिट्टी को फिर शक्तिशाली बनाए, उपज बढ़ाए और कुपोषण दूर भगाए। चलिए हमारे देश को एक बार फिर खुशहाल और समृद्ध बनाए, सल्फर मिल्स का टेक्नो जेड अपनाए। इंडिया की लगभग आधे से ज्यादा कृषि योग्य जमीन में जिंक जैसे पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। मिट्टी में जिंक की व्यापक कमी होने से पौधों को सही मात्रा में जिंक उपलब्ध नहीं होता है। इससे ना सिर्फ फसल उत्पादकता पर बुरा असर पड़ता है, बल्कि फल, सब्जी, अनाज जैसे उत्पाद में भी सही मात्रा में जिंक नहीं होता, जिससे हमारे देश के करोड़ों लोगों में जिंक की कमी है। देश भर में इस जिंक की कमी की गंभीर समस्या का अब तुरंत सामना करना बेहद जरूरी हो गया है। हमारे देश के किसानों को अब उनके खेतों में जिंक से परिपूर्ण खाद सामग्री को शामिल करना जरूरी हो गया है। जिंक की कमी से पौधों में कई विकार हो जाते हैं, जैसे कि पत्तों का पीलापन, भूरे धब्बे आना, संकीर्ण पत्तियां, विकृत और अवरुद्ध आकार, जड़ों का कमजोर होना और पौधे का विकास अधूरा रह जाना। इस वजह से पौधों में कीटों से लड़ने की क्षमता भी कम होती है और पैदावार भी कम होती है। तने की लंबाई में कमी, गांठों के मध्यम भाग का छोटा होना, बलियान देर से निकलना और फसल पकने में देर होना, ये भी जिंक की कमी के लक्षण है। हमारे पोषण के लिए भी जिंक एक बहुत जरूरी पोषक तत्व है। भारतीय मिट्टियों में जिंक की व्यापक कमी के कारण हमारे फल, सब्जी और अनाज में भी जिंक की मात्रा पर्याप्त नहीं रहती, जो भारत में कुपोषण का एक बड़ा कारण है। जिंक की कमी की वजह से हमारे भोजन के दूसरे पोषक गुणों में भी कमी आ जाती है, जैसे प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स। जिंक की कमी से खासकर बच्चों का शारीरिक विकास अधूरा रहता है, अवरुद्ध ग्रोथ रहती है। यही नहीं, हर साल जिंक की कमी से हमारे देश में करोड़ों बच्चों को अनेकानेक बीमारियां होती है और लाखों जाने भी जाती है। इंडिया का शिशु मृत्यु दर यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का चौंका देने वाला स्तर इस बात का एक सबूत है। जिंक की कमी से शरीर में मेटाबॉलिज्म और हमारे बॉडी सेल्स के विकास जैसे कई महत्वपूर्ण कार्यों पर असर पड़ता है। हड्डियों का विकास अधूरा रहना, कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर, गोइटर जैसी बीमारियां, पुरुषों और महिलाओं में प्रजनन संबंधी तकलीफें, ये सब हमारे खान पान में जिंक की कमी के लक्षण है। और तो और, आम खाद में पाया जाने वाला जिंक पूरी तरह फसलों में सोखा भी नहीं जाता, जिससे उत्पादों में जिंक की कमी की समस्या और भी बढ़ जाती है। सल्फर मिल्स का रीप लाया है इस समस्या का हल, टेक्नो जेड। टेक्नो जेड में है आधुनिक जिंक। इसमें है ओआरटी यानी ऑप्टिमम रिलीज टेक्नोलॉजी वाला
जिंक ऑक्साइड जो बना है एक अनोखी और पेटेंटेड प्रक्रिया से। इससे पौधों में ज्यादा मात्रा में जिंक उपलब्ध होता है। आमतौर पर खेतों में इस्तेमाल के लिए बाजार में मिलने वाला जिंक सल्फेट पानी में घुलने वाले रूप में मिलता है। इसमें मौजूद जिंक खेतों के पानी में घुलकर बह जाता है और पौधों को उपलब्ध नहीं होता। और तो और, जिंक सल्फेट जमीन में मौजूद फास्फोरस से मिलकर एक रासायनिक अभिक्रिया के कारण जिंक और फास्फोरस दोनों की उपलब्धता कम कर देता है। इस वजह से इसकी न्यूट्रिएंट यूज इफिशिएंसी मतलब पोषक तत्व उपयोग दक्षता कम होती है और पौधों में केवल 2-5% जिंक का ही अवशोषण होता है। अन्य जिंक उत्पाद जैसे कि चिलेट जिंक और जिंक ऑक्साइड SC रूप में केवल पत्तों पर छिड़कने के लिए ही काम आते हैं। और इन सब से बिल्कुल अलग टेक्नोसेड में है पेटेंटेड टेक्नोलॉजी से बना जिंक ऑक्साइड जो पानी में नहीं घुलता, जिससे ये मिट्टी में पौधों के लिए अधिक समय के लिए उपलब्ध रहता है। टेक्नो जेड का आधुनिक जिंक फास्फोरस के साथ बिल्कुल ना के बराबर मिलता है, जिससे दोनों पोषक तत्वों की पौधों के लिए उपलब्धता बनी रहती है। इसकी ऑप्टिमम रिलीज टेक्नोलॉजी ORT से जिंक के पोषक तत्व पौधों के अवशोषण के लिए लंबे समय तक मौजूद रहते हैं। टेक्नो जेड के सूक्ष्म दाने यानी माइक्रो ग्रेन्यूल्स जड़ों के पास रहकर पौधों में जिंक का उठाव बढ़ाते हैं। इस वजह से टेक्नो जेड के कम मात्रा में होने से भी पौधों द्वारा जिंक का अवशोषण ज्यादा होता है। इसी वजह से टेक्नो जेड देता है ज्यादा न्यूट्रिएंट यूज इफिशिएंसी NUE। न्यूट्रिएंट यूज इफिशिएंसी का मतलब होता है पौधों के लिए खाद के पोषक तत्वों की उपलब्धता ज्यादा होना, जिससे पौधों में जिंक ज्यादा मात्रा में सोखी जाती है। ज्यादा न्यूट्रिएंट यूज इफिशिएंसी होने से अन्य किसी भी खाद के समान मात्रा में इस्तेमाल होने के बावजूद पौधों को टेक्नो जेड से ही ज्यादा जिंक उपलब्ध होता है। टेक्नो जेड एक ऐसा फर्टिलाइजर है जिसमें ना सिर्फ जिंक बल्कि सल्फर भी मौजूद है। इसमें मौजूद सल्फर से मिट्टी का pH लेवल बना रहता है, जिससे पौधों को अन्य पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद मिलती है। खेतों में टेक्नो जेड अन्य दानेदार फर्टिलाइजर्स के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सही मात्रा में जिंक उपलब्ध होने से पौधों की जड़ें लंबी और मजबूत बनती है, पौधा सशक्त होता है और कीटों से लड़ने की शक्ति मिलती है। टेक्नो जेड के अनोखे और बेहतर जिंक की वजह से फल, सब्जियां और अनाज का आकार और वजन दोनों बढ़ते हैं, जिससे खेतों में ज्यादा उपज मिलती है, पैदावार बढ़ती है, प्रगति होती है। और तो और, सही मात्रा में फसलों में जिंक होने से फल, सब्जी और अनाज के दाने दाने में सही मात्रा में जिंक उपलब्ध होता है। इसका मतलब दमदार पैदावार के अलावा दमदार उत्पाद जिसमें जिंक जैसे आवश्यक पोषक तत्व सही मात्रा में उपलब्ध होते हैं, और ऐसी दमदार मिट्टी से मिलने वाली हमारी उपज में प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स सही मात्रा में उपलब्ध रहते हैं, और हमें मिलती है अद्भुत बीमारियों से लड़ने की शक्ति, इम्यूनिटी पावर और आगे बढ़ने की ताकत। टेक्नो जेड से इंडिया की मिट्टी में, फसलों में, फल, सब्जी, अनाज में और हमारे देशवासियों में जिंक की कमी दूर होगी और हमारा देश बनेगा तंदुरुस्त। टेक्नो जेड इस्तेमाल में ही आपकी उन्नति है, देश की प्रगति है। टेक्नो जेड पेटेंटेड जिंक ऑक्साइड से उपज मिले ज्यादा, ये है ORT टेक्नोलॉजी का वादा। स्मार्ट किसान बने, टेक्नो जेड ही चुने।